हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। आज हम सॉल्व करेंगे पॉलीनोमियल में चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। तो दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए साफ साफ पे लिख दिया है कि कौन सा पॉलीनोमियल है आपका, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि किस तरह से यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट मेथड इसमें ये है दोस्तों कि जो हमारा इक्वेशन है, जैसे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, तो दोस्तों इसमें हम क्या इनपुट करें जिससे कि इसकी वैल्यू जो हो वो ज़ीरो हो जाए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पे इनपुट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको फैक्टर ब्रेक करेंगे तो आपका एक्स की माइनस फाइव फोर और एक्स प्लस टू आ रहा है। तो इसका जो पहला फैक्टर है एक्स माइनस फोर, उसको हमने क्या किया, ज़ीरो के बराबर कर दिया। तो दोस्तों जैसे ही ज़ीरो के हमने बराबर कर दिया तो एक्स माइनस फोर बराबर ज़ीरो, एक्स माइनस फोर बराबर ज़ीरो, तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस का फोर। क्लियर दोस्तों, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का फोर। अब आगे क्या है दोस्तों, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस का फोर। अब सेकंड फैक्टर क्या है, एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू बराबर क्या करेंगे, ज़ीरो, तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का टू। तो हमारे पास दो फैक्टर निकल के आ गए, फोर और माइनस टू। अब दोस्तों हमें क्या करना है, तो अब जैसे हमने आपको बताया था दिस इज योर कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वेशन है। तो दोस्तों हमें कोफिशिएंट मिल गए हैं, वैल्यू मिल गई एक फोर और एक हमें मिल गए दोस्तों माइनस टू। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का जो बेसिक फंडामेंटल है उसमें देखिए आप यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई, एक लिखा है सम ऑफ जीरोस, एक लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन जो हो गई आपकी जो बेसिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कौन सी इक्वेशन होगी दोस्तों, आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। ये दोस्तों क्या हमारी, ये बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है। तो इसमें पूछा है क्या हमसे, सम ऑफ ज़ीरो। अब सम ऑफ ज़ीरो का निकालने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हमने रूट्स को बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर पूछा जाता है तो हम लोग लिखते हैं इसको माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा दोस्तों क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी का मतलब हो गया इस एक्स का कोफिशेंट, बी के एक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे किसका आएगा, एक्स का कोफिशेंट, ए का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट। तो दोस्तों आप यहाँ देखो क्या लिखा है, सम ऑफ ज़ीरो, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस टू है। बीटा वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस टू मान लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी फोर माइनस टू, तो एक्चुअली क्या है, फोर प्लस टू है, और फोर प्लस बीटा जो माइनस है तो फोर माइनस टू, फोर में से टू जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, टू। तो सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू मिल गई हमारी टू। अब हमने आपको बताया कि हमें क्या साथ ही साथ देखना है, क्या देखा है, कोफिशेंट। तो कोफिशेंट में जब फॉर्मूला देखेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आएगा, और बी का कोफिशेंट क्या है, एक्स है, और ए का कोफिशेंट क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब माइनस का सिंबल आएंगे और माइनस बी, बी का कोफिशेंट क्या है, बी का जो कोफिशेंट है वो हमारा इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, माइनस का टू।
ये कैसा है दोस्तों, फिर से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि हमें जो फंडामेंटल इक्वेशन है, हमारी जो फंडामेंटल इक्वेशन है, आप ये देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है किस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट को। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको ए का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स कोफिशिएंट हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे फिर से बता दूं आपको, हमने क्या लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस, अब बी का कोफिशिएंट कितना है, बी का कोफिशिएंट क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, माइनस का टू अपॉन, ए का कोफिशिएंट कितना है, ए का कोफिशिएंट है वन। तो कितना आंसर आ गया आपका, टू। कितना आंसर हो गया आपका, टू। तो दोनों हमारे आंसर क्या हो गए, सेम हो गए। अब देखिए हमने निकाला यहाँ पर क्या, सब निकाल लिया, सबको समझ आ गया होगा। अब क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, माइनस का एट, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है, वन। तो माइनस का एट और वन हो गया। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी है आपकी, मैंने बताया दोस्तों आपको, माइनस का एट, माइनस का एट हो जाएगा और ए आपका वन ही है, तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का एट। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की एल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी कितनी है दोस्तों, फोर है, और बीटा की कितनी है, माइनस का टू, यानी कितना हो जाएगा इधर, माइनस का एट। तो ये क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया कोफिशिएंट और उसके दोनों के साथ हो गया, समझ रहे दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपका, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। इसका भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड या इनपुट मेथड यूज़ करेंगे। तो हमें क्या मिलेंगे वैल्यू, इसका होल देखोगे तो ये टू एस माइनस वन का इसका क्या है, होल स्क्वायर है। टू एस माइनस वन का क्या है, ये होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू मिल करके क्या निकल के आ गई, टू एस माइनस वन बराबर जीरो। फिर वन को उधर कर दिया जीरो के इक्वल टू, तो क्या हो गया, टू एस बराबर वन। टू एस बराबर हो गया आपका वन। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई वैल्यू, एस की वैल्यू मिल गई आपकी वन अपॉन टू। एस की कितनी होगी, वन अपॉन टू। अब देखो दोस्तों, फिर से मैंने बताया आपको कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने के लिए हमने आपको जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन बनाई वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको बार बार लिखें फंडामेंटल क्वेश्चन को। आपकी मैंने क्या बताया, फंडामेंटल क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो, ये फंडामेंटल इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट का कौन सा आ रहा है, फोर। एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, माइनस फोर, और सी के कोफिशिएंट के साथ क्या आ रही है, वैल्यू वन। तो हमें मिल गई वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा वैल्यू वन अपॉइंट टू, बीटा वैल्यू वन अपॉइंट टू, तो एलसीएम लिया टू, तो हमारा क्या आंसर आ गया, वन। कोफिशिएंट की बात करेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, यानी यहाँ पे कंपेयर किसके साथ, कि एस के साथ किया जाए, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी, माइनस का फोर। और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर यानी हाईएस्ट पावर क्या है, फोर। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एस, फोर है। तो यहाँ पे माइनस फोर, माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया फोर, डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया, वन। तो ये हो गया सम ऑफ जीरो। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों, हमने जैसे आपको बताया कि नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा वैल्यू वन बाई टू, बीटा वैल्यू वन बाई टू, यानी सब मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई फोर आ जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने बताया आपको कि हमारा क्या है, यहाँ पर सी अपॉन ए, हमने फॉर्मूला बताया था सी अपॉन ए, यानी यहाँ पर क्या सी वन, सी के साथ क्या वैल्यू है, वन। तो ये होगी वन, और एस स्क्वायर यानी इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, वन बाई फोर। तो ये दोनों मैच वैल्यू मैच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
आप देख सकते हो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्या है, 6x³ - 3 - 7x, इसका भी हमने क्या कर दिया, फैक्टर किया। तो फैक्टर किया तो अब इसको ब्रेक करा तो हमें क्या वैल्यू आ गई, इसको जब फैक्ट ब्रेक किया तो वैल्यू आ गई आपकी 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो 3x + 1 और से निकालेंगे तो एक्स वैल्यू एक हो जाएगी आपकी -1/3 और एक वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/2। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब इन दोनों वैल्यू को हम जब पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल गई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल गई, वो क्या मिल गई, -1/3 और 3/2। तो फिर से वही दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी आपको हो जाएगा -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3 और प्लस 3/2, -1/3 प्लस 3/2। फिर हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, 3 × 2 = 6, माइनस का 2 प्लस 2 × 3 = 6, 3। तो कितना हो गया दोस्तों, 1/6 एलसीएम लिया, 6 हो गया और माइनस 3 और 2 का एलसीएम लिया हमारा 6 हो गया और फिर आपका 3 × 2 = 6 हो गया। और जैसे तो दोस्तों एलसीएम लेंगे तो 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पर 7/6। 7/6 दोस्तों आ गया आपका यहाँ पर आंसर, और यहाँ भी आपका आंसर कितना है, 7/6। कोफिशिएंट वाले मेथड से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, कोफिशिएंट ऑफ हमें एक्स का देखना है और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं दोस्तों कि जो वैल्यू है आपकी प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो मन को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/6, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। और यहाँ पे इसको उस मेथड से करेंगे कोफिशिएंट ऑफ टर्म के हिसाब से, तो सी का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट, तब भी कितना आंसर आपका, आंसर 1/2 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी है 4u² + 8u। अब इसके साथ और कुछ भी ऑप्शन हमने मान लिया +0 और फिर हमने क्या किया, 4u कॉमन लिया, तो यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई आपकी, एक मिल गई आपकी u = 0 और एक मिल गई u = -2। तो 0 और 2 क्या है हमारी वैल्यू है, एक वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू 0 मान लेंगे और बीटा की वैल्यू क्या मान लेंगे, -2। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का वही सिंपल प्रोसीजर है, हमें क्या करना है, बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। हमारी कंपेयर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वही ax² + bx + c = 0, दिस इज द योर फंडामेंटल इक्वेशन। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जा रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जा रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए बताया आपको -b/a। तो अब कंपेयर किया तो -b की वैल्यू क्या होगी, 8 और a की वैल्यू कितनी होगी, 4। सॉल्व करने पे आंसर आ गया -2। फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 की बात कर ले, प्रोडक्ट ऑफ 0 की, तो 0 की मतलब हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, c/a। तो c/a तो c की वैल्यू तो 0 ही है, तो पूरा टर्म होना क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, t² - 15। तो इसमें हमने अब इसे x के साथ कोई टर्म है नहीं, हमने इसको यहाँ पे 0t ले लिया, कंसीडर 15 के लिया, तो इसकी वैल्यू आ गई t - √15 और t + √2, यानी हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई एक √15, एक बीटा वैल्यू मिल गई आपकी -√15। समझिए दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, हमें आगे पुट करना है इसमें। अब ये देखें, जब यहाँ पर क्या करेंगे, सम ऑफ 0 निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे। सम ऑफ 0 ने बताया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो भाई ये अल्फ़ा की वैल्यू भी -√15 है प्लस, और
अल्फा के लिए रूट फिफ्टीन और माइनस रूट फिफ्टीन, फिफ्टीन और माइनस रूट फिफ्टीन, तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा ज़ीरो। कोफिशेंट के टर्म में देखेंगे तो कोफिशेंट ऑफ टी के साथ ज़ीरो है, तो डिवाइड किया वन के साथ तो पूरा क्या हो गया टर्म ज़ीरो हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा किया, अल्फ़ा इंटू बीटा जैसे कि मैंने आपको बताइए मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन जब करा तो क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा यानी रूट फिफ्टीन इंटू रूट फिफ्टीन आपका माइनस का फिफ्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा हमारा कह रहा है कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, तो इसको हमने टर्म को सॉल्व किया तो थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस वन, तो यहाँ से दो हमारे आंसर आ गए, एक एक्स प्लस वन बराबर जीरो और एक हो गया एक्स बराबर आपका माइनस वन। इसको फैक्टर जब करें तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू मिल गई आपकी माइनस वन और एक वैल्यू मिल गई फोर अपॉन थ्री। तो ये हमने आपको बताया दोस्तों क्या होगा, ये अल्फ़ा और बीटा वैल्यू मिल गई। फिर आप दोस्तों क्या करो, फिर हमें बताया आपको दोस्तों कंपेयर करना आपको नहीं भूलना है, कंपेयर आपको किससे करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसे कंपेयर किया तो ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू मिल गई, फिर सम ऑफ जीरो निकाल लिया दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा वैल्यू आपकी हमने मान ली चार बटा तीन है और बीटा वैल्यू कितनी मान ली हमने माइनस का वन है, पुट कर दिया आंसर मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने पुट कर दिया हमें आंसर मिल गया। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।